नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। नई संसद पर जब से कंगूरे पर अशोक स्तंभ विराजमान हुआ है तब से ये मुद्दा गर्म हो रहा है और विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर शोर मचा रहा है। आइए देखते हैं आखिर क्यों इस नए अशोक स्तंभ पर लगातार विपक्ष शोर मचा रहा है। यूं तो दुनिया में भारत का कोई हमलावर इतिहास नहीं है, लेकिन उसकी उदारता ने उसे हमेशा छला है और शायद इसीलिए इस बार जब नई संसद का ऐलान हुआ तो संसद के कंगूरे पर इस बार का अशोक स्तंभ विपक्ष की नजर में कुछ बदला बदला सा है। इसी दहाड़ते शेर पर विपक्ष की आंखें लाल हैं। सियासत में इस दहाड़ते शेर पर चर्चा गर्म है। दहाड़ते शेर ने, बदलते भारत की इस कल्पना ने शेर का मुंह खोलकर दुनिया के सामने नए भारत का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इसके भीतर की दरारों में वफा का वो मजबूत सीमेंट भरने की जरूरत है जो आपसी भाईचारे के बीच नफरत की कोई दीवार खड़ी ना कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक विशालकाय अशोक स्तंभ का अनावरण किया जो कि नए संसद भवन की छत पर लगा है। इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कहा यूं जा रहा है कि राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को बदल दिया गया है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन उबैसी ने इस अनावरण को संवैधानिक मापदंडों का उल्लंघन बताया है। वे कांग्रेस इस बात से नाराज थी कि दूसरी पार्टियों को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। अब राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को बदलने का आरोप आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लगाया है। संजय सिंह ने एक ट्वीट को शेयर करते हुए सवाल उठाया है कि मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। विपक्ष नई संसद के कंगूरे पर चढ़े इस दहाड़ते शेर से नाराज है, लेकिन दुनिया में इस बार भारत के बदलते हुए तेवर को दुनिया और राष्ट्रद्रोहियों के सामने बिल्कुल साफ कर दिया है। अब देखना ये होगा इस दहाड़ते शेर का असर आने वाले समय में किस कदर होता है। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। लगातार नए अशोक स्तंभ पर, नई संसद पर जो अशोक स्तंभ विराजमान हुआ है उस पर लगातार बहस जारी है और विपक्ष ना कहीं शेर के मुंह के आकार को लेकर सत्ता पक्ष पर हमला बोल दिया है। दरअसल विपक्ष ये कह रहा है कि जो शेर शांति प्रिय और जिम्मेदार शासक के रूप में दिखाया गया था या अब तक दिखता था, वही शेर अब दहाड़ते हुए दिख रहा है। हालांकि भारत का कोई हमलावर इतिहास नहीं है, लेकिन अब आगे भारत के तेवर को शायद इस शेर की शक्ल में देखा जा सकता है कि अगर कहीं से कोई आवाज़ उठती है तो दहाड़ इस बार भारत की भी निकलेगी और नई संसद के भीतर बैठे लोकनायक निश्चित रूप से वो उन कदमों को उठाएंगे जो कहीं ना कहीं इस देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े बड़े कदम हैं। ऐसे में अब नए शेर ने नए भारत की नई उपमाओं को पूरी तरह से कहीं ना कहीं बदल दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या वाकई में जो सरकार कर रही है उस जवाब के लिए सरकार तैयार है, क्या सरकार ने उस तेवर को हासिल कर लिया है। क्योंकि बहुत सारी बातें लंबी चौड़ी हैं, लेकिन चीन से पिछले 2 सालों से ज़्यादा से वार्ता चल रही है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से स्वामीनाथ जायसवाल, बीजेपी से नेहा शालिनी दुआ और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। नेहा जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे, दहाड़ते हुए शेर से विपक्ष नाराज है, क्यों आखिर? ये तो
कोई मुद्दा नहीं होता, कोई बात नहीं होती, तो वो मुझे लगता है कि जबरदस्ती ये मुद्दे आज पैदा कर रहा है, क्योंकि उनके पास कोई बात नहीं। जहाँ जहाँ उनके पास कहीं राज्यों में इक्का दुक्का राज्य रह गए हैं, वहां से भी हाथ धोते जा रहे हैं, तो उनको लगता है कहीं कुछ तो निकालते रहे। तो आज ये देखिए, जब ये बोलते हैं, मैंने अभी कुछ लोगों के बयान सुने कांग्रेस के और कुछ पार्टियों के नेताओं के, कि शेर जो था वो पहले बिल्कुल एक सभ्य शेर था, और ये शेर दहाड़ता हुआ ऐसे लग रहा है कि आक्रमक शेर लग रहा है। इन्होंने शेर को बकरी कब बना दिया, आदमखोर। तो इनको शेर बकरी कब लगना शुरू हो गया, जो शांत, बस जब हम शेर बोलते हैं, जब हम सिंह बोलते हैं किसी को, तो सिंह का मतलब, शेर का मतलब क्या होता है, दहाड़ता हुआ शेर या भीगी बिल्ली बना हुआ शेर। तो शेर तो अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जिसे सौम्य कहने का मतलब ही गलत है अपने आप में। मतलब शेर कब सौम्य होता है, शेर कोई बकरी थोड़ा ना, बिल्ली थोड़ा ना जो सौम्य हो जाए। और इस शेर को इन्होंने बना दिया, ये शेर आक्रामक लग रहा है। अरे भाई, अब मुझे तो समझ नहीं आता, शेर तो आक्रामक ही होता है। तो वही मैं आपको कहना चाह रही हूँ, जब विपक्ष के पास कोई बात ही नहीं रही, तो उनको लगता है कि जैसे कहते हैं ना, जबरदस्ती उसमें से कीड़े निकालना, वो वाली कहावत इनके ऊपर सही है कि कोई मतलब नहीं, किसी बात का कोई लॉजिक नहीं, जबरदस्ती शेर जो है वो शांत नहीं लग रहा, आक्रामक लग रहा है। मेरे को तो प्लीज ऐसा कोई विपक्ष पार्टियां मुझे एक शेर दिखा दे जो सौम्य शांत ऐसे स्वभाव का कोई शेर हो, तो प्लीज मुझे भी दिखाइए, शेयर कीजिए हमसे फोटो, हम भी जनता के साथ वो फोटो उस शेर की शेयर करेंगे और बोलेंगे कि वाकई में ये तो बड़ा सौम्य सुडौल और बड़ा पढ़ा लिखा शेर है। तो प्लीज आप अपने आप को कहाँ लेके जा रहे हो, आप अपनी, मतलब आपकी सोच कहाँ गिरती जा रही है, मुझे तो विपक्ष पार्टियों की बात ही नहीं समझ आ रही, जो शेर के ऊपर बात उन्होंने छेड़ी है कि शांत शेर और आक्रामक शेर। स्वामीनाथ जी, इलॉजिकल बात, क्या क्या आपको दिक्कत है उस शेर में? दिक्कत नहीं है, जिस तरह से संविधान का संसद भवन है और संसद भवन में उद्घाटन किया गया, आदमखोर शेर को जिस तरह से बहन बता रही है कि सौम्य शेर, आज तक भारत के चाहे नोट पे देखिए या अशोक चिन्ह जहाँ भी पूरे भारत में लगा हुआ है, किस जगह वही बताए कि आदमखोर ऐसा शेर दिखता है, संसद पटल में उद्घाटन हुआ। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी संसद में, सारे सांसद हर एक पार्टी के होते हैं और सब पार्टी को आमंत्रित करके सबके साथ और सबके साथ सहयोग कर सबके उद्घाटन में बुलाना चाहिए। और शेर की बात है तो एक देखने में प्रथम दृष्टया आदमी को दिखे कि हमारे भारत का प्राचीन अशोक स्तंभ है, हमारा देश का गौरव है, वो देखने में ऐसा किसी को ऐसा दिखे ना कि उससे डरावना दिखे, आदमी देखे उसको तो उससे एक्टेड हो, उससे प्रभावित हो, उससे लगे कि एक सौम्य व्यवस्था, जैसे सौम्य होना कोई ऐसा बात की बिल्ली भीगी बिल्ली नहीं हो जाता है, सौम्य होना, सौम्य शेर जब साधारण भाव में रहता है, जब उत्तेजित होता है, शेर को उत्तेजित किया जाता है तब आदमखोर बनता है, शेर तो हमेशा सौम्य रहता है और सौम्य रहता है, जब उसको हम आदमखोर बनाते हैं, उसको उत्तेजित करते हैं, उसको हम मांस का टुकड़ा दिखाते हैं, चाहे किसी को अटैक करना होता है तब आदमखोर हो जाता है, शेर तो हमेशा सौम्य दिखता है। चिड़ियाघर में जाके देख ले बहन जी, आपको सौम्य शेर दिखेगा, शेर दिखेगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रोपगंडा, सुनिए बीच में मत बोलिए, आपको बोलने का मौका मिलेगा, बोलते रहिएगा अपने पक्ष से, जैसे भारतीय जनता पार्टी का मुद्दे मुद्दा है, जिस तरह से गुजरात मॉडल दिखा रहे थे, आज गुजरात में सूरत से लेके पूरे गुजरात में पानी भर चुका है, सड़क जर्जर हो गया है, गुजरात मॉडल खत्म हो गया। और जिस तरह से सरकार की बात बोल रहे थे बहन जी, तो सरकार को आप लोग खरीद लेते हैं, विधायक को सुनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, चाहे मणिपुर, गोवा, ठीक है भाई, मध्य प्रदेश, ठीक है स्वामीनाथ जी, मैं आऊंगा, आप लोग तोड़ फोड़ खरीद, स्वामीनाथ जी मैं आऊंगा आपके पास, आप सरकार चलाने के लिए कहां आ रहे हो, किसी को अपने आदमखोर व्यवस्था को जिस तरह से दिखा रहे हैं, तो क्या ये भी आदमखोर व्यवस्था आम
अलग पार्टियों पे ही लागू होता है, जिस तरह से आप पैर दिखाकर। ठीक है, मैं आऊंगा आऊंगा नेहा जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, स्वामीनाथ जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। इंदुकांत जी देखिए, बीजेपी गाय लेकर आती है तो गाय से परेशानी, शेर लेकर आती है तो भाई शेर से परेशानी। अब विपक्ष ने कैसे देखा, क्या देखा, लेकिन लग तो रहा है शेर दहाड़ रहा है इस बार। अब नई संसद के भीतर से वो दहाड़ने वाले ऐलान होंगे या क्या होगा, ये बदला हुआ तेवर क्या कहता है, आप जरा इसका विश्लेषण कीजिए, नेहा जी ने जो बोला है और स्वामीनाथ जी ने जो बोला है। नमस्कार सभी को, चंद्रशेखर जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। देखिए, एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। देखिए, स्वामीनाथ जी को दहाड़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, उन्हें शेर दहाड़ता हुआ चाहिए भी नहीं, वो सही कह रही थी मैडम दुआ, शालिनी दुआ जी की, कैसे शेर को मेमना बना दिया जाए, बकरी बना दिया जाए। ये देखिए, शेर तो स्वभावतः हिंसक पशु है। उसको आपको याद होगा कि एक टाइगर पार्क है थाईलैंड में, और एक और अपने साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में बनाया गया था, एक बुद्धिस्ट ने बनाया था पार्क, जहाँ काफी दिनों तक उसको बकरी की तरह बनाकर घुमाते थे, दुनिया से लोग देखने जाते थे। तो जब शेर बिल्कुल शांत हो जाता है, उसकी प्रकृति हिंसक न दिखाई दे, वो आपके पीछे पीछे कुत्ते की तरह घूमने लगे, तो वो दर्शनीय हो जाता है, लोग टूरिस्ट उसको देखने जाते हैं। नहीं तो उसका नेचुरल स्वभाव तो हिंसक है। अब रही बात की कैसा दिख रहा है, आज अधीर रंजन चौधरी जी ने ट्वीट किया है जो बता रहे थे स्वामीनाथ जी, और उन्होंने भी कहा है कि ऐसा लगता है, इसका स्पष्टीकरण भी सरकार की तरफ से आया है, शायद स्वामीनाथ जी ने नहीं देखा होगा, कि देखिए जो असली लायन कैपिटल बनारस में हमारे शहर में रखा हुआ है सारनाथ में म्यूजियम में, वो लगभग 2 मीटर का है, और जो बनाया गया यहाँ पे नए संसद भवन के, प्रस्तावित संसद भवन के छत पे जिसका उद्घाटन किया गया है, वो 6.5 मीटर का है। तो जब उसके बाल, उसके रोए, उसके सारी आकृति, उसके दांत, उसका मुंह उसी अनुपात में 3 गुना बढ़ा है, इसलिए उनको ऐसा लगता है। अब आप एक छोटी सी बात देखिए कि जब देश के प्रधानमंत्री ने, देश की केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी परियोजना वेल रिसर्च एक बनाई, आप जानते हैं हर चीज का केंद्र सरकार अगर कोई प्रयास करके काम कर रही है तो कितने बड़े बड़े आर्किटेक्ट को लगाया जाता है। आपको पता है कि जो पूरा का पूरा सेंट्रल वित्ता बन रहा है वो टाटा बना रहे हैं, उसमें आपको लगता है कि इस तरह की छोटी त्रुटि हो सकती है, और हाँ अगर होगी भी तो इस ढंग के जो किंच कुंच किया जाता है राजनीतिक, ये करने के बजाय आप संसद भवन बनने दीजिए, आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी, अब जब संसद भवन बनेगा तो सबका होगा, जैसा विपक्ष ने कहा, विपक्ष के नेताओं ने कहा, सबने कहा है, और उसमें जब चर्चा के लिए आप जाएंगे तो संसद में प्रस्ताव लाइएगा कि हम एक इंडिपेंडेंट संस्था हैं और एक स्वायत्त, एक जो 3 स्तंभ माने जाते हैं उसमें विधायिका एक एक स्तंभ है डेमोक्रेसी का, भारतीय लोकतंत्र का मुख्य जो 3 स्तंभ है, चौथा मीडिया माना जाता है, और उसमें हमारी बिना राय के आपने ये शेर लगा दिया, बब्बर शेर गिर से उठा करके लाए और ऐसा लगता है कि हमें खा जाएगा, इसको कांडली बदलिए, प्रस्ताव पारित करिएगा, किसने रोका है, बदल जाएगा। लेकिन इस तरह से जब से कल से प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया है, आप देखिए स्वामीनाथ जी, ये बहुत ही मतलब दुखद है, मैं शर्मनाक नहीं कहूंगा लेकिन दुखद है कि जब से सेंट्रल विस्ता का प्रोजेक्ट आया, नए संसद भवन बनाने की बात आई, तो एक जो अंग्रेजों का बनाया हुआ संसद भवन था उससे निकलने के लिए आपने तो कुछ किया नहीं। अगर नई सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है तो उसको बिल्कुल कोई अप्रिशिएशन नहीं, आपने उसको मोदी भवन का नाम दे दिया, उसको सेंट्रल विस्तार के बजाय कुछ कुछ बताया, इतने गाली गलौज, इतने अपशब्द, और आप कोविड पीरियड में कहा कि किसी प्रोजेक्ट को रोकने की बात नहीं कही, कही कि इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए जो देश के स्वाभिमान से जुड़ी हुई चीज होती है। कभी स्वाभिमान नहीं सकता है आप लोगों का कि अंग्रेजों के बनाए राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, अंग्रेजों के बनाए संसद भवन में रहते हैं, कम से कम जहां जितना बदलाव कर सकते हो। आपको याद होगा स्वामीनाथ जी कि कितने सालों तक आजादी के बाद इंडिया गेट के सामने जो स्तंभ था उस पर जॉर्ज पंचम की। इंदुकांत जी मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। इंदुकांत जी, लेकिन कहीं ना कहीं आकृति में बदलाव की बात को विपक्ष कर रहा है, तो क्या वाकई में आकृति नहीं बदलनी चाहिए? सवाल ये है सबसे बड़ा, क्या बदलते भारत की बदलती तस्वीर नहीं बदलनी चाहिए? अरे भारत, एक मिनट मैं चंद्रशेखर जी, एक मिनट आ रहा हूँ मैं आपके पास स्वामीनाथ जी, जवाब पूरा होने दीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ जी। चंद्रशेखर जी, बदलते भारत से बदलती आकृति लाने की बात ठीक है, लेकिन चूंकि उसको भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पे रखा गया है, जो लायन कैपिटल की अनुकृति बनाई गई है, तो उसको नहीं बदल सकते आप, और उसको एज इट इज आपको रिक्रिएट करना है। सरकार ने सफाई दी है कि बिल्कुल आपको भ्रम है, क्योंकि 3 गुने से अधिक साइज का बना है, इससे आपको ऐसा लग रहा है। ये हमें तर्कसंगत लग भी रहा है, लेकिन मैंने कहा कि ये विकल्प खुला है, क्योंकि विपक्ष के पास पूरा ये मुद्दा स्पष्ट है कि उन्हें उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया गया, उन्हें शायद पार्टिसिपेट नहीं बनाया गया होगा इसकी डिजाइनिंग में भी। तो अगर जब संसद भवन का उद्घाटन होगा उसमें जाएंगे तो वो उनकी भी प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि वो लोकतांत्रिक संस्था हो जाएगी, और उस भवन में अगर कोई त्रुटि होगी जिसमें संवैधानिक मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखा गया होगा, तो उसको बदलने का, रिस्ट्रक्चर करने का पूरा हक होगा उनको। और अभी जो सरकार कह रही है कि हमने ठीक बनाया है, उसकी अनुकृति बनाई है, बड़े आकृति का, बड़े साइज का होने से ऐसा महसूस हो सकता है आपको दूर से, क्योंकि आप उसके नजदीक जाकर के उसको स्पर्श करके नहीं देखे हैं। मेरा ये विश्वास है कि ये सरकार जिस तरह से चीजों को करती, कोई भी केंद्र सरकार सूझबूझ के साथ, बड़े डिजाइनर्स को लगाती है, बड़े आर्किटेक्ट्स को लगाती है, बड़े स्कल्पटर्स को लगाती है, तो उनसे ऐसी त्रुटि, और वो भी ढाला हुआ ताम्र का है, तो उसमें बहुत कम संभावना है। अगर ऐसी त्रुटि हुई होगी तो निश्चित तौर पर उसको बदलना होगा और बदला जाएगा, लेकिन अभी तत्काल इसकी आलोचना करने के बजाय आपको इस मुद्दे पे आना चाहिए विपक्ष के तौर पे, स्वस्थ राजनीति के लिए, कि जो काम हो रहा है ये निश्चित तौर पे किसी भी लोकतंत्र के जो गुलामी की निशानियां हैं उनको हटाने के लिए, अगर बड़ी चीजें, अच्छी चीजें, स्वाभिमान से जुड़ी हुई चीजें बनाई जा रही देश में, तो उसका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। जैसा आज झारखंड में प्रधानमंत्री से, तो वहाँ पे 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया, तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो आपके साथ सरकार चला रहे हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया। इसी तरह आज पटना में प्रधानमंत्री ने जब कहा कि पक्ष विपक्ष से ऊपर उठ करके देश के लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए एक साथ मिलकर सोचना चाहिए, वहाँ भी सभी ने अप्रिशिएट किया शताब्दी कार्यक्रम में। तो इस तरह से खुले दिल से आकर के देश को आगे ले जाने की बात सोचनी चाहिए। नेहा चांदनी जी, क्या लगता है कि विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, और इंदुकांत जी कह रहे हैं कि अनुकृति बिल्कुल वैसी की वैसी है, तो कैसे विपक्ष को ये लगेगा कि अब वो शेर दहाड़ता हुआ नहीं है, या शेर के भीतर कैसे उनको क्या लगता है कि उनको कहाँ से ये बात नज़र आ रही है कि वो दहाड़ता हुआ शेर है? जैसा कि अभी जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं इंदुकांत जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ संसद तो इनको भा जाता है, लेकिन जो हिंदुस्तान का अपना संसद बना है उससे इनको ऑब्जेक्शन होती है, वो इनको बुरा लगता है। इनको हर अंग्रेजों की चीज अच्छी लगती है। जब इनको यहाँ वाली मीडिया नहीं पूछती है तो ये इंटरनेशनल मीडिया पे जाके वहाँ का प्लेटफॉर्म यूज करके देश की बुराई करते हैं। जब इनको इस देश का संसद, जब इनको मीडिया इस देश की नहीं पसंद, आर्मी इस देश की नहीं पसंद, पुलिस इस देश की नहीं पसंद, उसको बली का गुंडा इनके संदीप दीक्षित जी कहते हैं, आर्मी पर सवाल उठाते हैं, तो फिर इनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि इनको देश का कुछ भी नहीं पसंद है। प्रॉब्लम ही यही है, इनको वही पुरानी संसद की बिल्डिंग चाहिए थी जहाँ पर अंग्रेज रहते थे, उन्होंने बनाया था, उनके टाइम की बनी हुई थी। आज जब हमारी भारतीय संस्कृति ने, भारत ने खुद की एक, जैसे कहते हैं, एक ऐसा ऐतिहासिक कदम नरेंद्र मोदी जी ने उठाया जिसको इनको अप्रिशिएट चलो नहीं करना, हम उम्मीद भी नहीं रखते आपसे अप्रिसिएशन की, लेकिन कम से कम उसकी बुराई भी तो मत कीजिए। मतलब आपको अब शेर जो है वो सौम्य शेर चाहिए, मेरे को तो बात ही नहीं है हजम हो रही, किसी को भी नहीं हो सकती कि शेर कब से सौम्य हो गया। इन्होंने तो शेर को बकरी और मेमना बनाने वाला काम कर दिया कि सौम्य शेर चाहिए, ये तो आक्रामक शेर लग रहा है। भाई आप मुझे फोटो खींच के किसी सौम्य से शेर की भेज दीजिए तो हमें पता लग जाएगा सौम्य कैसा होता है। अब जैसे कि बोला गया है, सरकार के द्वारा बताया गया है कि जब 2 मीटर की
आकृति को 6 मीटर करा जाता है तो उसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल चेंज उसमें हो जाता है, जबकि उसने कोई चेंज किया नहीं, गया वही एज इट इज है। लेकिन क्योंकि विपक्ष को कोई मुद्दा बनाना है, असल बात में रोना इस बात का है कि उनको इनविटेशन क्यों नहीं आया, तो चलिए कोई बात नहीं, इस पे आप समझ आती है कि आप संसद में जाइए, उस भवन में बैठ के कोई अपना पारित कीजिए कि हमको क्यों नहीं बुलाया गया था, नहीं, नहीं, देखिए, या हमको ये सौम्य शेर हमको नहीं, देखिए कई तस्वीरों पर विवाद है। एक भगवान श्री राम की तस्वीर थी सौम्य बिल्कुल, लेकिन जब आप तस्वीर लेकर आए तो धनुष खींचते हुए तस्वीर लेकर आए, फिर हनुमान जी की तस्वीर बड़ी सौम्य थी लेकिन जब आप लेकर आए तो रौद्र हनुमान की तस्वीर लेकर आए, फिर अब शेर आप बदल के ले आए हैं, तो विपक्ष आकर कहे क्यों ना। स्वामीनाथ जी, विपक्ष को हमारा स्वामीनाथ जी, मैं आ रहा हूँ, नेहा जी मैं आ रहा हूँ, स्वामीनाथ जी क्या कैसा शेर चाहिए बताइए। नेहा जी बोल रही है, नोट इनके पास पड़ा होगा, निकाल के नोट पर देख लेंगी, चाहे किसी भी अशोक स्तंभ जो अभी भी यही है, सम्राट अशोक सुनिए सौम में है कि आदम तो यही तो है। नहीं नहीं ये दरअसल बात यही है, बात यही है, ये नोट वाले शेर को नहीं देख रहे हैं, ये कांग्रेस नोट वाले शेर को देखती रही, ये संविधान वाले शेर को देखने की बात है भाई। नहीं नहीं मैं आप सुनिए, आपने नोट दिखाया ना, देखिए स्वामीनाथ जी, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, कहिए आप, अरे भाई कहिए, उखड़िए मत, आप कहिए, थोड़ा जमिए, आपको जमने की जरूरत है, उखड़िए मत, जमने की जरूरत है तो सुनिए। हाँ, ये अंग्रेजों के लिए ये लोग नाखून तक नहीं कटाया और देश बदलने चले, 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर नौकरी दे रहे हैं, जो बोली है अभी इंदु जी ये शालिनी दुआ जी, ये जो आर्मी पर हम सवाल उठाते हैं, तो आप कहीं मंत्री रहा, आप कहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश किशोरजी बोलते हैं कि जो अग्निवीर बन के आएगा उसको भाजपा कार्यालय पर मैं मंत्री का यानी ड्यूटी दूंगा, और आप लोग का कितना बड़ा है कि एक 4 साल नौकरी करके रिटायर हो जाएगा अग्निवीर पर, नहीं है आप देखिए ये डिबेट, देश में जरूरत है तो इसका प्रोग्राम प्रधानमंत्री अपने लिए कोठी बना रहे हैं, जो 3 किलोमीटर में उनको घर दिया गया उनको बुरा लगने लगा, और जिस तरह से संसद भवन चल रहा था, बेरोजगारी है, सुन लीजिए, नहीं वो कहेंगे बोलने नहीं दे रहे, आरबीआई खाली हो चुका है, आप विधायक खरीद रहे हो और उसके बाद सरकार तोड़ रहे हो, और आप जो गुजरात मॉडल की बात कर रहे हो तो आप अपने चैनल पर दिखाइए आज गुजरात मॉडल कितना बढ़िया। अरे भाई हम दिखा रहे हैं, देखिए हम सब चीज दिखा रहे हैं, हम सब चीज दिखा रहे हैं, हमसे मत कहिए आप, मैं ये कह रहा हूँ नेहा जी, मैं आ रहा हूँ नेहा जी, मैं आ रहा हूँ, मैं ये कह रहा था स्वामीनाथ जी मैं ये कह रहा था, स्वामीनाथ जी सुनिए तो सही भाई, सुनिए तो सही, अरे स्वामीनाथ जी सुनिए तो, स्वामीनाथ जी सुनिए भाई, सुनिए, आप जो नोट वाला शेर देख रहे हैं ना, कांग्रेस नोट वाला शेर देखती रही, ये संविधान वाला शेर है, अच्छा ये संविधान वाला शेर है, संविधान वाला शेर नहीं देख रहे हैं, ये शायद संविधान दहाड़ रहा है, ये आप उंगली संविधान पर उठा रहे हैं कि संविधान क्यों दहाड़ रहा है। नेहा जी संविधान के किताब पर कैसा शेर लगा हुआ है, शेर लगा हुआ कि आदम खोर, नहीं नहीं ये तो संविधान दहाड़ रहा है, संविधान अगर सशक्त होगा तो अच्छी बात है भाई, संविधान पे क्यों नाराज है, देश को गुमराह किया जा रहा है, उससे बोलने के देश को बेरोजगार, नेहा जी सिलेंडर का भाव बढ़ाया जा रहा है, स्वामीनाथ जी कहाँ कहाँ का मुद्दा उठा के ला रहे हैं, स्वामीनाथ जी सुन नहीं रहे भाई, आप इतना सुनिए, शेर हसमुख था बाबा साहब का, शेर हसमुख था, पता नहीं कौन सी दिन दहाड़े सपने बैठ के मुंगेरी लाल के देखते हैं, चलो हसमुख शेर था, मान लिया, क्या आपका शेर हसमुख था भाई, मान लिया, अब आप मुझे ये बताइए ये वाला शेर आपको रोता हुआ लग रहा है, अरे आरएसएस के आप इतना ही नहीं आता, जब ऐसे थोड़ा ना होता कि
स्वामीनाथ जी आप देखिए लगातार निरंतर बोले जा रहे हैं भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, आज ये शेर देश को अच्छा लग रहा है। इनका हसमुख शेर जो है वो आपको मुबारक हो, आप मुझे इस पर अपने हसमुख शेर की फोटो भेज दीजिए। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए स्वामीनाथ जी, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए भाई, वही कार्बन कॉपी है। एक बात बताइए, इनको प्रॉब्लम है, इन्होंने पहले ऑब्जेक्शन रेज की, प्रधानमंत्री का पता नहीं है तो क्यों बनाते हैं, इन्होंने संसद भवन को बोल दिया प्रधानमंत्री अपने लिए कोठी बना रहे। देखिए आपसे ज्यादा तेज चिल्लाना मुझे भी आता है, लेकिन आपको सुनना भी आना चाहिए, आपको सुनना भी आना चाहिए, क्योंकि आपकी बात हमने सुनी है धैर्य से, तो आपको भी सुनना आना चाहिए। आप बोलिए ना, आपकी बारी आएगी, बोलिए किसने मना किया। ठीक है, ठीक है, नहीं आज बताइए। अब आप अपना हसमुख शेर अपने पास रखो। अब मैं बताती हूँ कि लोगों को प्रॉब्लम ये है, इन्होंने बोला प्रधानमंत्री। देखिए सुन लीजिए, आप आपको मौका दूंगा जब आप बोल लीजिएगा जी। हाँ जी, ये कहते हैं प्रधानमंत्री अपने लिए कोठी बना रहे हैं, अरे उसमें आप नहीं रहोगे। संसद भवन कब से प्रधानमंत्री की कोठी बन गया? हाल की बात है, आपको इतनी जरूरत नहीं आती थी एक संसद भवन को, एक ऐसा जिसे हम मंदिर कहते हैं, संसद भवन को न्याय का मंदिर कहते हैं, उसको इन्होंने कोठी बना दिया। पता नहीं कल को और क्या वॉइस करके ये कुछ भी बना देंगे। तो इनसे प्रॉब्लम ये है कि इनको बेबुनियादी मुद्दा रखना है, इनको देखिए अभी भी बेबुनियादी। अरे भाई सुन लीजिए ना आप, स्वामीनाथ जी आप अपना पक्ष रखिएगा, मैं आपको मौका दूंगा, सुन लीजिए जी। सुनाई नहीं आता, आज इनकी हार का सबसे बड़ा कारण ही है, सिर्फ बोलना जानते हैं और विपक्ष को गलतियां निकालना जानते हैं। अरे हमारी सत्ताधारी पार्टी जो है ना, वो इसीलिए आज फल फूल रही है क्योंकि हमने सुनना भी सीखा है, हम बोलते भी हैं तो हम सुनते भी हैं। ठीक है, ठीक है, जनता कभी माफ नहीं करती। जिनका शेर सौम्य होता है, जिनका शेर हसमुख होता है, जिनका शेर मेमना होता है, तो जनता देख रही है आपको इन्हीं बातों में 2024 में ऐसी ऐसा मारेगी वोट का झटका कि आप जहाँ दो में भी बैठे हो। ठीक है, वोट नहीं पड़ रहा, वोट नहीं पड़ रहा, वोट अभी नहीं पड़ रहा, वोट अभी नहीं पड़ रहा है, वोट नहीं पड़ रहा है। इंदुकांत जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो वर्तमान दौर चल रहा होता है, जब कलाकार किसी कला का निर्माण करता है तो उसके भाव के अंदर ऐसा असर आ जाता है कि जो दौर होता है उसके जैसी ही उसकी आकृति वो बना देता है। आप कह रहे हैं अनुकृति बिल्कुल जैसी हुबहू बनी है, लेकिन कहीं जब कलाकार काम करने लगता है तो कुछ ना कुछ बदलाव होता है, थोड़ा बहुत अंश मात्र भी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसा देख रहा था कलाकार, जैसा सोच रहा था कलाकार, वैसा ही भाव इस मूर्ति में आ गया है, शेरों में आ गया है? ऐसा होता है चंद्रशेखर जी, लेकिन जब कलाकार को उसको कला का अपना स्वरूप उसकी दक्षता दिखाने का अवसर दिया था ऐसा, लेकिन अगर कलाकार को ये कहा जाता है जो अभी नोट पे दिखा रहे थे लाइन कैपिटल की तस्वीर अपने स्वामीनाथ जायसवाल जी की, नोट पर जैसे दिया गया कलाकार को बताने के लिए कि इसी ढंग का बना कर करके उसको लगाना है, और वो लाइन कैपिटल से दिया गया सारनाथ के म्यूजियम से बनारस में, तो उसी तरह से ये भी बनाने के लिए, क्योंकि वो नेशनल प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, जैसे आप जानते हैं चंद्रशेखर जी की राष्ट्रीय प्रतीक जो अपना तिरंगा है झंडा, उसके नाप में क्या अनुपात होगा लंबाई चौड़ाई में, कितनी तीलियां होंगी चक्र में, किस कलर का होगा, कौन कौन से कलर किस क्रम में होंगे, किस ढंग के कपड़े का प्रयोग होगा, सारा झंडा के कोड में दिया हुआ है, तो उसको कभी नहीं बदला जा सकता जो कि वो राष्ट्रीय चिन्ह है। तो इसमें कलाकारी दिखाने का सवाल नहीं उठता है, पहली बात। दूसरी बात, जो बना है वो कैसा है वो तो बात ही खत्म होगी। मैंने कहा कि जब सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया, अब आप जब वहां जाएंगे तो उस मुद्दे पे आप चर्चा करेंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। दूसरा, स्वामीनाथ जी की दो बातों को मैं याद दिलाना चाहूंगा, एक तो मैं उनकी बात से आऊंगा बाद में। आप देखिए कि अगर ये मुद्दा इतना बड़ा था तो आपकी पार्टी के जो सभी मुद्दों पर छोटे से बड़े पे कमेंट करते हैं सरकार के ऊपर, आपके अध्यक्ष रह चुके, उपाध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी, अध्यक्ष भी रह चुके, आज ही वो विदेश यात्रा पे चले गए,
देश में आपने गुजरात की बात की, देश के इतने बड़े हिस्से दक्षिण भारत के बाढ़ में डूबे हुए हैं, आपकी इस बात का शोभा तब होता है, बात की शोभा स्वामीनाथ जी, जब वो उस बाढ़ग्रस्त इलाके में घूमते नजर आते, लोगों की मदद करते नजर आते। लेकिन आज ही वो विदेश यात्रा पे चले गए। मेरी बात हो जाए स्वामीनाथ जी, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप जैसे भाजपा के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं, आपको नहीं मालूम होगा पूरा, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं काट के बोल रहा हूँ। यूथ कांग्रेस के हमारे सारे यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष आसाम में भी बाढ़ पीड़ितों को अपना जितना तो राहुल राहुल गांधी जी राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, और आप किस तरह से बात कर रहे हैं, और मैं भी बनारस का रहने वाला हूँ, मैं भी जानता हूँ कितना बढ़िया आप बनारस को सजोर दिया गया, हम भी काशी के रहने वाले, और किस तरह से बात बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता क्यों बन के आप प्रधानमंत्री का गुणगान कर रहे हैं, चार साल तक पूरे बनारस चंदौली सारे लड़कों को आप देखते होंगे, सुबह गाँव जाते होंगे तो कितना पढ़ाई से बेचारे आर्मी में जाने के लिए तैयारी करते हैं, युवा लड़का 24 साल का रिटायर होकर घर बैठेगा, 71 साल का मुद्दा देश का प्रधानमंत्री, ये क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, ये भाषा बिल्कुल, ये कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं आप, ये तो बिल्कुल आप गरिमामयी भाषा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं स्वामीनाथ जी, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, आप बिल्कुल गलत भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, डिबेट ये आप डिबेट में मर्यादा बिल्कुल नहीं रख रहे हैं, ये भाषा है आपकी, राहुल गांधी पे कटाक्ष करने, मोदी पे कटाक्ष करने में डर लगता है आपको, आप विश्लेषण है ना, विश्लेषण है तो मोदी पे कटाक्ष नहीं, मोदी भाई वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, कैसी बात आप कर रहे हैं, कैसी बात आप कर रहे हैं, क्या बात आप कर रहे हैं, एक पार्टी का विश्लेषण किया जाता है कि सबसे पार्टी का विश्लेषण, आप एक पार्टी को लेकर बैठ गए, मोदी गुणगान मोदी चलिता बोल रहे हैं, इंदुकान जी देखिए, स्वामीनाथ जी को लोकतंत्र की इतनी मर्यादा भी नहीं पता है कि जब हमको आपने बोलने के लिए कहा तो उसमें इंटरवीन करके बोल रहे हैं। दूसरा, मैं उन्हीं की बात पे आ रहा था, उन्होंने कहा मैं भी काशी का हूँ बनारस का हूँ, मैं जानता हूँ कि पिछले 4-5 साल में 6 साल में मोदी जी ने क्या किया है, उनको थोड़ी सी भी अगर शर्म होती तो आप बनारस में किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएं और उसका प्रतीक में उदाहरण बताऊंगा उनको, वो हमें जिसका भी प्रवक्ता बता दें, देखिए सात को आंच नहीं होता है स्वामीनाथ जी, अपनी भी आत्मा में जरा झांक के देखिएगा, तो आप बनारस में कभी भी आप हवाई अड्डे पे उतरते होंगे, उतरेंगे अगर नहीं उतरे होंगे स्वामीनाथ जी कभी उपयोग करेंगे, तो उस हवाई अड्डे से बनारस शहर के अंदर आने में 1 से 1.5 घंटे लगता है 15 किलोमीटर के लिए, लेकिन आज फ्लाईओवर्स ऐसे बनाए प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कि वहां पे आप 10 मिनट के अंदर शहर में पहुंच जाते हैं। मैं स्वयं एक बार दिल्ली से गया और हवाई अड्डे पे उतरा और वहां से हमें शहर के अंदर जाने में स्वामीनाथ जी 1.25 घंटे लगे थे। आप कहते हैं कि बनारस में काशी विश्वनाथ में बड़े अच्छे से दर्शन होते थे, आपको शर्म नहीं आती है? बनारस में काशी विश्वनाथ में दर्शन करने में लोग धक्के खाते थे, हमारे मित्र आए दिल्ली से, अमेरिका से, मुंबई से, पुलिस वाले धक्के देके डंडे से निकाल देते थे, भागो भागो समय नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म के लिए समय नहीं था। औरंगजेब ने जो असली काशी विश्वनाथ का मंदिर था उसको तोड़ कर करके और एक छोटी जगह मिली थी किसी तरह से अहिल्याबाई ने बनाया था, उसको विस्तार कई जब किया जा रहा था, काशी धाम बनाया जा रहा था, काशी विश्वनाथ धाम, तो कितने विरोध हुए। आज बनारस में गलियों का सुंदरीकरण हो गया, गंगा के घाट साफ हो गए, बनारस पे आप ऐसी बात करते हैं कि क्या काम किया है? मडुआडी स्टेशन को मॉडल स्टेशन बना दिया गया, मडुआडी नाम था उसका, बनारस स्टेशन कर दिया गया, कितने विकास के कार्य हुए, रिंग रोड 40 साल से नहीं बना था, रिंग रोड बन गया, और आप देखिए जनता के बात को आप कभी भी नहीं टाल सकते जी। उनको ऐतराज आपकी इस बात से कि आप लगातार सरकार के लिए पक्ष में बोल रहे हैं। नहीं, वो गलत बात कर दिए ना, देखिए उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुआ विधानसभा का, उत्तर प्रदेश का हमें भूल जाएंगे। नहीं, वो सवाल कुछ पूछना चाह रहे हैं इंदुकान जी पूछना चाह रहे हैं कुछ स्वामीनाथ जी पूछ लीजिए सवाल, इंदुकान जी से पूछ लीजिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं पूछ लीजिए। रहे हैं जैसे अपना गुणगान गा लिए मोदी भक्ति और विश्लेषण का बोल रहे हैं मेरे को उत्तर माननी चाहिए, मैं रोज
नेहा जी सवाल पूछना, नेहा जी पूछ लेने दीजिए, वरना ये कहेंगे कांग्रेस को बोलने नहीं दिया जाता, पूछ लेने दीजिए। कांग्रेस को बोलने नहीं दिया जा रहा अभी, ये अगर हमको मोदी भक्त बोलते हैं या इंदू गांधी को भी मोदी भक्त बोल रहे हैं तो ये क्या है, कांग्रेस की चमचे, कांग्रेस की चमचे आप यही हैं? नहीं नहीं ठीक है, तो आप चमचे, ठीक है आप पूछ लीजिए भाई। और सुनिए नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी पूछ लीजिए, नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी पूछ लेने दीजिए, नेहा जी पूछ लेने दीजिए। चलिए स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी देखिए, स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुओं को मरवाओ, हिंदुओं को आपने कैसे मरवाया जानते हैं, कश्मीरी पंडितों को कैसे आप लोगों ने अपने राज में मरवाया था, सब दुनिया जानती है, देश का हर नागरिक जानता है, कभी जवाहरलाल नेहरू ने धारा 370 लगा के कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार करवाया था, कैसे आपके राजीव गांधी ने लद्दाख से आगे सियाचिन, सियाचिन से ऊपर का हिस्सा बंजर भूमि है कह के तीन लोगों को भी नहीं दिया था। अरे शर्म करो जनको, अभी तो अच्छी बात बोलो, हमें तो मोदी भक्त बोल दिया था, 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 तो आप क्या हो, आप तो कुछ समझे हो कांग्रेस के। ठीक है नेहा जी, 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 नेहा जी लगातार सुनिए, नेहा जी, नेहा चाल लीजिए, सुन सुन लीजिए, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी, अब आप सुन नहीं रहे भाई, सुन नहीं रहे, आप सुनिए तो, सुनिए तो, अरे भाई सुनिए, अब सुनिए आप बात, सुनिए, स्वामीनाथ जी बात कुछ समझ में नहीं आएगी लोगों को, सुन लीजिए भाई, स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी, सुन आप सुन ही नहीं रहे, सुन नहीं रहे स्वामीनाथ जी, कैसा शेर चाहिए बताइए, अरे भाई 21वीं शताब्दी में कैसा शेर चाहिए, कैसा शेर चाहिए बताइए, स्वामीनाथ जी, मैं नेहा जी, 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 स्वामीनाथ जी कैसा शेर चाहिए, अरे भाई आप पूछिए, आप तो शेर से नहीं, आज की बढ़ती हुई ज्वलंत मुद्दा पर चर्चा करना चाहिए, मैं तो ये आप अचानक मेरे को फोन करके बोले कि ये आपको डिबेट में आना है, सीधे तो चलेंगे मेहमानों के पास, स्वामीनाथ जी कैसा शेर चाहिए बताइए, शेर से विकास नहीं होगा, हम शेर पे मुद्दा पे नहीं, हम तो दुनिया के, मैं देश के युवाओं के भविष्य की चर्चा करते, पिस्ता जब बना था उस समय भी हमारा आपत्ति था, और जो नेहा जी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री, आप उनको शायद नहीं उनको पता होगा कि प्रधानमंत्री का भी निवास बन रहा है उसी इंडिया गेट पर जहाँ कभी ये नेहा जी घूमने आती थी, मैं दिल्ली रहता हूँ, आके दिखा दूंगा, वो कहाँ कहाँ रहते हैं आप, दिल्ली आप रहते हैं, बनारस आप रहते हैं भाई, अभी पहले बोल रहे थे बनारस रहता हूँ, फिर क्या रहे दिल्ली रहता हूँ, बनारस बीएचयू से पढ़ा हूँ, बनारस मेरा, अच्छा ठीक है, मैं रहता हूँ दिल्ली नॉर्थ ईस्ट में, और मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली आए तो इसको दिखा दूँ कि प्रधानमंत्री का निवास अब बन रहा है, दिशा प्रोग्राम में 20,000 करोड़ का, फिर बोलना शुरू कर देंगे, रखे भैया नाम ले रहा हूँ, फिर बोला चमचा भी बना दी मेरे को, भार मंडली कब बंद हो गए भाई, ये बोलने नहीं देंगे इन लोग सरकार में, तो बोलने नहीं देंगे, अपने भार मजारा बजाते रहेंगे, अब मैं बोलूंगा तो फिर इसमें टपक जाए, बोलिए ना आप, बोल कहाँ रहे हैं आप, तो जाने कहाँ कहाँ इधर उधर जा रहे हैं, इनको दिल्ली घुमा रहे हैं आप, नेहा जी को आप बोल दीजिए ना भाई, मैं ये बोल रहा हूँ नेहा जी को कि इनको
शायद पता नहीं, आप बता दीजिए कि 20,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है फिर शुरू हो गई, फिर शुरू हो गई। वो दिल्ली में ही रहती है ये कह रही है, भाई सुन लीजिए, वो कह रही है दिल्ली में ही रहती है। नहीं तो क्या ये कई प्रधानमंत्री रहेंगे क्या? यही मैं प्रधानमंत्री का घर बन रहा है। आप स्वामीनाथ जी कैसा तर्क दे रहे हैं आप बताइए? दे रहा हूं सर। आप कह रहे हैं कि वो ही रहेंगे हमेशा, वो अपना घर बना रहे हैं, कोई स्वीकार करेगा आपकी इस बात को? चंद्रशेखर जी, 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री का निवास बन रहा है कि नहीं, ये यस या नो बताइए। हे भगवान, ये इनको प्रधानमंत्री जी का निवास, इनको ये समझ नहीं आती प्रधानमंत्री कहीं रहता है, इनके प्रधानमंत्री कभी बना तो वही रहा नहीं, इनके प्रधानमंत्री सड़क पे रहते थे। अरे आपके टाइम के प्रधानमंत्री सड़क पे रहते थे, मुझे ये बताइए प्लीज। आप ऐसी इलॉजिकल बातें बंद करिए। सिंपल सी बात है, जो बंदा यहाँ बैठ के हसमुख शेर की बात कर सकते हैं, मेमने जैसे शेर की बात कर सकते हैं, तो ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा मैं। स्वामीनाथ जी मैं आऊंगा आपके पास, नेहा जी मैं आऊंगा। इंदुकांत जी ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री का घर बन रहा है, उसमें हमेशा नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, ये कैसे, ये कैसे इस तर्क को, कैसे इस तर्क का विश्लेषण कैसे करें? देखिए चंद्रशेखर जी, मैंने प्रारंभ में ही कहा था, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। स्वामीनाथ जी को मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे प्रधानमंत्री आवास सेंट्रल विस्ता के बारे में ये कमेंट कर रहे हैं, नेहा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए स्वामीनाथ जी, जो झारखंड में सरकार थी रघुवर दास जी की भाजपा की, उनके समय में उस सरकार ने तन मन धन से लग करके विधानसभा भवन तैयार कराया। जो विधानसभा भवन नहीं था अपना, जो एचईसी का अधिकारियों का अपना मेस था, उसमें कन्वर्ट कर करके एक अस्थाई रूप से विधानसभा चल रही थी उस बिल्डिंग में, 2000 में बनने के बाद झारखंड के, 2016-17 तक उसी में चल रही थी। अल्टीमेटली जब 2014 दिसंबर में बीजेपी की लगभग फुल मेजोरिटी की सरकार बनी झारखंड में, तो प्रधानमंत्री के गाइडेंस में उन्होंने तय किया कि अपना विधान भवन, अपना हाईकोर्ट अच्छा भवन बनाएंगे, दोनों पे काम शुरू किया, इवन हम लोगों के लिए प्रेस क्लब बनाया, जो आज तक झारखंड बनने के बाद रांची में कोई प्रेस क्लब नहीं था, जो राजधानी है झारखंड की, और वो विधानसभा भवन का चुनाव से ठीक पहले बनके तैयार हो गया, 2-2.5 साल के अंदर रिकॉर्ड टाइम में 376 करोड़ में, ध्यान रखिए स्वामीनाथ जी, और वो एक ऐसी बिल्डिंग बनी जो अब पर्यटक देखने आते हैं। उसका उद्घाटन सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने, और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री सरकार रघुवर दास बीजेपी की थी, किया। लेकिन देखिए सौभाग्य की बात आपके लिए कि चुनाव दिसंबर में हुए और भाजपा हार के सत्ता से बाहर हो गई, सरकार बन गई हेमंत सोरेन के जेएमएम और कांग्रेस की और आरजेडी की। आज उस विधानसभा भवन का मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ आपको कि पूरा सदुपयोग कर रहे हैं कौन लोग, जो विधानसभा में चुनके इस समय आए हैं, और मुख्य रूप से उससे सारे आपको ऑफिसेज सब कुछ सत्ताधारी पार्टी को ज्यादातर मिलती है, मुख्यमंत्री को सारा उसका सदुपयोग कर रहे हैं। क्या वो लेकर आके अपने साथ मोदी जी चले गए दिल्ली, लेकर अकबर दास जी चले गए? क्योंकि ये स्थायी चीजें होती है, संवैधानिक संस्था का एक आदर्श स्वरूप होता है। आज पूरे देश से उस विधान भवन को देखने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि वो संसद के एक प्रोटोटाइप की तरह से बनाया गया है और काफी विस्तार से, और आपको जान तो अच्छा लगेगा कि उसको बनाते समय इलीगली जो लोग वहां रहते थे, इलीगली
उन लोगों को भी रिहैबिलिटेट करने के लिए जिस दिन उस विधानसभा भवन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, उसी दिन करीब 125-150 लोग थे, उनको भी बगल में ही उस परिसर के फ्लैट बना करके दिया और वो भी वहाँ शिफ्ट हुए। ये होता है तरीका काम करने का। क्या आप इसकी आलोचना करेंगे? आज प्रधानमंत्री का या सेंट्रल विस्तार का या संसद का निर्माण किया जा रहा है तो वो क्या नरेंद्र मोदी जी अपने साथ लेके जाएंगे जिनके नाम से एक भी कमरा नहीं है? इस चीज को आप अप्रिशिएट करेंगे तो आप कहेंगे मोदी भक्त है। आप देख लीजिए आपके नेताओं के पास कितनी बड़े बड़े बिल्डिंग है, कितने बड़े बड़े भवन है, सरकारें आती जाती रहती उस पर कब्जा करके वो रहते हैं। तो आपको उस पर थोड़ा सा भी नहीं सोचना का मन करता है? और एक संस्था बन रही है देश के लिए हमेशा हमेशा के लिए, उसको आप मोदी भवन बता देते हैं? ये कैसी सोच है चंद्रपाल जी? क्या पहले से प्रधानमंत्री निवास नहीं है और पहले से संसद भवन नहीं? अभी क्या जरूरत था ये बनाने का? अभी हमें बीच में मत बोलिए कि मैं इंद्रपाल जी से सवाल कर रहा हूँ। नेहा जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधारने की जरूरत है। आरबीआई खाली है गया, पूरे देश का पैसा गुजरात के व्यापारी आपके पास आ रहा हूँ। नेहा जी मैं आ रहा हूँ आपका, एक बार सुन लीजिए। अभी देश की व्यवस्था जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नौकरी को आदा किए थे, 15 लाख खाते का बात कहे थे, 60-70 रुपया वाला पेट्रोल 35-40 रुपया में काम कहे थे, मुख्य नाम जिस तरह से 10 सिलेंडर 450 रुपया में 14 में था। नेहा जी, नेहा जी सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपसे भी जवाब लूंगा। नेहा जी को भी जरूरत है कि नहीं? देश में आप रोज खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, आपकी मैडम बोलती होगी कि आप कमा के इतने ला रहे हैं, गैस का रोज भाव बढ़ रहा है, सरसों तेल का भाव बढ़ गया, राशन का भाव बढ़ रहा है, आप उनको बजट दे रहे होंगे 10,000 रुपया, आप खर्चा होने लगा 15,000 रुपया, उससे आपके परिवार पर कोई प्रश्न चिन्ह? स्वामीनाथ जी बस एक 10 सेकंड जी आप बोलिए। जो स्वामीनाथ जी ने बोला उसको केवल एक 10 सेकंड का, उसके बाद नेहा जी को आप मौका दीजिएगा। स्वामीनाथ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री का आवास था कि नहीं और बनाने की क्या जरूरत थी। स्वामीनाथ जी आपकी चर्चा में दिए हुए बयान पर मैं कोट करूंगा। आपने कहा मैं बनारस के बेनियाबाग का रहने वाला था और अभी दिल्ली में रहता हूं। आपको बेनियाबाग में रहना चाहिए था, दिल्ली क्यों चले गए आप? जब चीजें विकास करती हैं, देश आगे बढ़ता है तो सभी चीजों का विस्तार और उसका नवीकरण होता है, समय की मांग होती है। आप कभी भी चले जाएं प्रधानमंत्री आवास पर देश के तो ऐसे लगता है कि कहां से जा रहे हैं, उसका कोई स्वरूप नहीं दिखता है। कुछ पार्ट यहां है, कुछ पार्ट वहां है, पता नहीं आप गए कि नहीं। मैं तो भगवान की दया से हमें मौका मिला है, मैं प्रधानमंत्री आवास पर मैं कई बार गया हूँ, कभी भी लगता नहीं कि एक भवन का कोई स्वरूप है। तो अगर उसको अच्छा बनाया जा रहा है तो देश की शान की बात है। स्वामीनाथ जी मैं मनमोहन सरकार में भी गया हूँ, उसके पहले ठीक है भाई, ठीक है आप गए हैं, आप सुन लीजिए। नेहा जी, नेहा जी देखिए कांग्रेस ये कह रही है कि प्रधानमंत्री का घर बन रहा है। सुन लीजिए भाई स्वामीनाथ जी, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, मैं सब आऊंगा आपके पास। अगर ये बोलते हैं कि ये कांग्रेस के टाइम में भी प्रधानमंत्री जी के निवास पे गए थे तो उस टाइम का निवास और आज के निवास में इतना जमीन आसमान का फर्क है। वो अंग्रेजों के टाइम में बना हुआ बिखरा हुआ एक ऐसा आवास था जहाँ पता ही नहीं था ये प्रधानमंत्री जी का आवास इनमें से है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, इंदुकान जी ने, ऐसा ही है। और आप उसे चाहते हैं कि जब पर्यटक देखने आए प्रधानमंत्री जी का आवास तो उनको ऐसा दिखे। आज अगर प्रधानमंत्री जी का आवास सुंदर बनाया जा रहा, प्रधानमंत्री जी का मतलब मोदी जी का नहीं, प्रधानमंत्री जो भी इस देश का प्रधानमंत्री होगा उसके लिए अगर बन रहा है। आपको परेशानी सिर्फ ये है कि कोई भी काम प्रधानमंत्री जी कर लेते हैं, हम लोग तो सोचते रहते थे, हमने 60 साल में जो सिर्फ सोचा उसे कभी एग्जीक्यूट नहीं किया, और नरेंद्र मोदी जी जो सोचते हैं वो फटाफट कर भी देते हैं। अब ये बात कह रही कि IMF की रिपोर्ट को भी गलत बता देंगे जिसमें भारत की GDP को बोला गया है 8.5 बढ़ेगी, 8.5 की बढ़ोतरी आगे आने वाले 1 साल के अंदर IMF और विश्व बैंक। अरे आप तो कहोगे यहाँ बैठ के वो भी हमने खरीद लिया, IMF भी हमने खरीदा है, विश्व बैंक को भी हमने खरीद के कहा कि हमारे लिए ये बोल दो। तो कांग्रेस आज ऐसी बन चुकी है कि कुछ भी झूठ बोलते हैं, कुछ भी बैठ के झूठ बोल देते हैं, इनका शेर भीगी बिल्ली भी बन जाता है, इनका हंसता हुआ शेर होता है, हमारा धाड़ता हुआ शेर होता है, इनका प्रधानमंत्री जी का आवास मतलब घर बना रहे, कोठी बना रहे हैं,
स्वामीनाथ जी क्या चाहते हैं कि देश उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और कहीं अगर कुछ हो रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। आपने शेर के डिजाइन में गलती निकाल दी, बताइए कुछ नहीं मिला तो। चंद्रशेखर जी सुनिए, मैं शेर के डिजाइन में उनको अच्छा लगता होगा, चलिए मैं स्वागत करता हूँ उनका। पहला बात तो मैं देश तरक्की करता उस समय जो आज बेरोजगार ज्वलंत मुद्दा को लेकर जो चार साल के लिए जो नौकरी लेके आया आर्मी का उसका पूरे युवा विरोध कर रहे हैं। चार साल में रिटायर होने वाले युवा, कल का क्या भविष्य रहेगा देश का? पहला मेरे को बोलने ही नहीं देती है। चलिए बोल लीजिए भाई, बोल लीजिए, समय कम है, आप सुन लीजिए। मैं प्रधानमंत्री का निवास बने ठीक है, पहले देश सुरक्षित हो, पहले देश का विकास हो, देश में उन्नति प्रगति हो, खुशहाल हो। श्रीलंका का गति क्या हो गया? प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को भागना पड़ा, देश की महंगाई और अर्थव्यवस्था वहाँ का खत्म हो चुका था, ये जो बिस्तर बनाने में वहाँ व्यवस्था खत्म हो चुका था। आज देश का आरबीआई खत्म हो गया, यहाँ के पैसा भगोड़ा लेके भाग गया। आज तक प्रधानमंत्री जी उसको पकड़ के नहीं लाए, बोले थे दाऊद इब्राहिम को ले आऊंगा और ये फिले विजय माल्या और जो जितना चार पांच गुजराती भागे हैं उनको पकड़ के नहीं लाए। और देश में 18 करोड़ बेरोजगार हो गए। ठीक है, ठीक है, जल्दी से, ठीक है, ठीक है, हो गया आपका जवाब, जल्दी से। नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी, समय समाप्त हो रहा है, दो दो जवाब, एक लाइन में जवाब दे दीजिए। इन्होंने कहा जो आज हाल श्रीलंका का हो रखा है, बहुत अच्छी बात आपने कही स्वामीनाथ जी। भाई बोल लीजिए, एक समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से बता दीजिए। श्रीलंका का जो हाल हो रखा है, बेहाल हो रखा है, उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति छोड़ के भागे थे। बिल्कुल सही कहा आपने, उनका हाल क्यों ऐसा हो रखा है क्योंकि उनका फ्रेंड चाइना था। और आपकी पार्टी के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, आज से 5 साल पहले चाइना के साथ ही तो एक सही सिग्नेचर। ठीक है, ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। नेहा जी, स्वामीनाथ जी, इंदुकांत दीक्षित जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल कहीं ना कहीं विपक्ष ढूंढ ले रहा है कि आखिर सत्ता पक्ष ने क्या गलती की है, और इस बार गलती शेर के मुंह से उनको दिख रही है। लग रहा है कि शेर दहाड़ रहा है, संविधान दहाड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष इस पर कितना आगे बढ़ता है और दहाड़ते हुए शेर को कैसे बर्दाश्त करता है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनडी।